हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे कि इसके स्टेरॉइड प्रोसेस के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट वन, इसका टोटल तीन रिलेशंस हैं, जो कि स्टेरॉइड प्रोसेस होता है वह एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इन दोनों के बीच में प्रोजेक्ट होता है। ओके, इसका सेकंड रिलेशन है जो कि स्टेरॉइड प्रोसेस होता है। ये पेन स्टेरॉइड प्रोसेस को हम अज्यूम कर रहे हैं कि पेन स्टेरॉइड प्रोसेस है। तो ये स्टेरॉइड प्रोसेस इंटरपोज होता है दिस इज पैरोटिड ग्लैंड और इंटरनल जुगलर वेन के बीच। ओके, इसका जो थर्ड रिलेशन होता है जो कि स्टेरॉइड प्रोसेस है, उसके लेटरली इसको पास करती है फीमोरल नर्व और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ओके, तो फीमोरल नर्व उसको कब कहाँ से क्रॉस करती है, स्टेरॉइड प्रोसेस के बेस से, जबकि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी स्टेरॉइड प्रोसेस के एपेक्स को सॉरी स्टेरॉइड प्रोसेस के एपेक्स से इसको क्रॉस करती है। ओके, इसके बाद आते हैं हम इसके क्लिनिकल्स पे कि हम स्टाइलोइड एपरेटस को क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसके क्लिनिकल्स के बारे में जानने के लिए इसका ओनली एक क्लिनिकल्स है जिसे कि ओनली अपन आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो इसकी हम अब क्लिनिकल की बात करते हैं। ओके, तो स्टाइलोइड प्रोसेस का क्लिनिकल है ईगल सिंड्रोम। ओके, ईगल्स सिंड्रोम। ओके, जिसे हम बोलते हैं स्टाइलेल्जिया। ओके, ईगल सिंड्रोम या स्टाइलेल्जिया। ये बेसिकली ये सिंड्रोम होता क्या है। ओके, इसके बारे में बात करने के लिए हमें पता होगा कि हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टाइलोइड एपरेटस। ओके, स्टाइलोइड एपरेटस। ओके, तो इस सिंड्रोम में क्या होता है कि जो कि स्टेरॉइड प्रोसेस है वो इलोंगेट हो जाता है, इलोंगेशन ऑफ स्टाइलोइड प्रोसेस। ओके, और इसका इस सिंड्रोम का दूसरा रीजन है कि या ये सिंड्रोम ऐसे भी हो सकता है कि कैल्सिफिकेशन ऑफ स्टाइलो हायोड लिगामेंट। ओके, तो ये सिंड्रोम होता है इलोंगेशन ऑफ स्टाइलोइड प्रोसेस और कैल्सिफिकेशन ऑफ स्टाइलोइड स्टाइलो हायोड लिगामेंट। ओके, स्टाइलो हायोड लिगामेंट आपको मैंने बताया था कि ये डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था कि ये लिगामेंट स्टाइलो मतलब स्टाइलोइड प्रोसेस और हायोड मतलब हायोड बोन से अटैच होता है। किससे? हायोड बोन के किससे? इसके लेसर होन से। ओके, तो स्टाइलोइड प्रोसेस की इलोंगेशन या फिर अपन जानते हैं कि अगर स्टाइलो हायोइड लिगामेंट्स में कैल्सिफिकेशन होगा, अब ये स्टाइलो हायोइड लिगामेंट है। ओके, सॉरी स्टाइलोइड प्रोसेस है। और उसके अलावा अगर ये लिगामेंट है, अगर इस लिगामेंट में कैल्सिफिकेशन हो गया तो नॉर्मली इसकी लेंथ आई मीन जो कि इलोंगेशन है स्टाइलोइड प्रोसेस की लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये दोनों ये वर्ड और ये वर्ड दोनों एक ही बात बोल रहे हैं कि अगर स्टाइलोइड लिगामेंट सॉरी स्टाइलोइड लिगामेंट सॉरी स्टाइलोइड प्रोसेस में कोई स्टाइलोइड प्रोसेस की लेंथ अगर इंक्रीज होती है तो उसे बोलते हैं अपन ईगल सिंड्रोम। और इससे अपन को क्या क्या अभी जो पेशेंट होगा उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, कोज रिकरेंट थ्रोट पेन। ओके, इन द रीजन ऑफ, मैं इसके बाद यहाँ से स्टार्ट कराऊंगा, इन द रीजन ऑफ टॉन्सिलर फोसा एंड अपर ट्रंक। ओके, सॉरी अपर ट्रंक नहीं, अपर नेक। ओके, तो एक बार हम दोबारा से इसको रिव्यू करते हैं कि स्टाइलोइड एपरेटस इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इससे होता है एक डिजीज ईगल सिंड्रोम या फिर स्टाइलेजिया। ओके, स्टाइलेजिया। ओके, तो इसका बेसिक मतलब इस ये डिजीज़ क्यों होती है, क्योंकि स्टाइलोइड जो प्रोसेस होता है उसमें उसका इलोंगेशन हो जाता है। तो स्टाइलोइड प्रोसेस का इलोंगेशन ऑफ स्टाइलोइड प्रोसेस और कैल्सिफिकेशन ऑफ स्टाइलो हायोइड लिगामेंट। इसके लिए अपने पढ़ा था कि ये स्टाइलोइड प्रोसेस है और ये स्टाइलो हायोइड लिगामेंट है। अगर इस लिगामेंट में कैल्सिफिकेशन हुआ तो बेसिकली इसमें भी स्टाइलोइड प्रोसेस का इलोंगेशन हो रहा है। तो ये दोनों एक ही बात बोल रहे हैं कि इलोंगेशन ऑफ स्टाइलोइड प्रोसेस। ओके, और इलोंगेशन ऑफ स्टेरॉइड प्रोसेस जिस पेशेंट में पाया जाएगा उसमें उससे अब उसमें अपन को क्या देखने को क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, कोज रिकरेंट थ्रोट पेन। उस पेशेंट को थ्रोट पेन होगा कहाँ पे, इन द रीजन ऑफ टॉन्सिलर फोसा और अपर नेक। ओके, कहाँ पे उसको थ्रोट पेन होगा, टॉन्सिलर फोसा और अपर नेक। ओके, तो अपन ने ये आज दिस इज ऑल अबाउट द स्टाइलोइड एपरेटस। ओके, इसके बारे में हमने इतना सारा पढ़ा। ओके, इसको हम एक ओनली फॉर एक पेज। ओके, इन सारे मैटर को एक पेज में लाने के लिए कि ताकि हम जल्दी रिवीजन कर सकें,
तो वो मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। ये थोड़ा छोटा लिखा है ताकि ये अपन को ज़रा लेंथी ना लगे बाद में पढ़ने पे। ओके, तो इसमें भी वही लिखा है जो मैंने आपको अभी टोटली पूरे इन लेक्चर बताया था। ओके, वही कि स्टाइलॉइड प्रोसेस अपैरेटस किस किस से मिलकर बना होता है, वही स्टाइलॉइड प्रोसेस स्ट्रक्चर अटैच टू इट रिसेम्बल द रिंग्स ऑफ कैरेट कैरियोट्स। रिंग्स क्या होती है? लगाम यूज टू कंट्रोल द हॉर्स। कैरेट्स क्या होते हैं? रथ। और जो स्ट्रक्चर अटैच होती है वो कौन सी है? थ्री मसल्स, टू लिगामेंट, थ्री मसल्स। इनमें कॉमन क्या है? स्टाइलो स्टाइलो स्टाइलो, क्यों? क्योंकि ये स्टाइलो प्रोसेस है। उसके बाद मसल्स को याद करने की ट्रिक होती है एच जी पी, हायोड, ग्लोसल और फेरिंजियल। जबकि यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं हायोड हायोड। एक देखने की बात है कि स्टाइलो हायोड यहाँ पे लिगामेंट है और स्टाइलो हायोड इसी नाम से कोई मसल्स है। ओके, इसके बाद लिगामेंट्स में कोई कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता है तो ये क्या हो गया? नॉन एडजस्टेबल। जबकि मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है तो ये क्या हो गया? एडजस्टेबल। एंड एडजस्टेबल हुए तो इनमें कोई नर्वस कंट्रोल होना चाहिए, तो ईच कंट्रोल बाय द सेपरेट क्रेनियल नर्व्स। ओके, तो क्रेनियल नर्व्स का कंट्रोल होता है तो इनको कौन सी क्रेनियल सप्लाई करती है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्रेनियल नर्व्स करती है 7, 12, 9 इनको। ओके, इसके बाद ये पढ़ा था अपन ने इसके फर्स्ट स्लाइड में जो कि अपन ने भी यहाँ पे पढ़ी थी। ओके, इसके बाद अपन ने इस डायग्राम को देखा था। ओके, कि अपन को ये पूरा ये वाला टॉपिक इस डायग्राम के थ्रू टोटली बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो दिस वन इज स्टेरॉइड प्रोसेस, फेशियल नर्व, जो कि इसको देखिए ये एपेक्स है तो एपेक्स में क्रॉस करेगी, जबकि ये क्या है? स्टेरॉइड प्रोसेस का बेस है तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इसके बेस से इसको क्रॉस करेगी। इसके बाद ये तीन मसल्स थी एच जी पी, ग्लोसल, हायोड और फेरेंजियल। ओके, उसके बाद ये हायोड बोन थी। अपन ने हायोड बोन का डायग्राम बताया था कि हायोड बोन की बॉडी होती है, इसका लेसर हॉर्न होता है और एक ग्रेटर हॉर्न होता है। ओके, हॉर्न को कॉर्नियम भी, कॉर्नियम कॉर्नियम से कुछ नाम है। ओके, तो सुपीरियर कॉर्नियम और इंफीरियर कॉर्नियम बात एक ही है, हॉर्न बोलो या कॉर्नियम बोलो। ओके, इसके बाद टंग होती है। ओके, इसके बाद अपन ने पढ़ा था हायोड मसल्स के टू पार्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल। प्रॉक्सिमल होते हैं टिम्पेनिक प्लेट से। ओके, जबकि डिस्टल होते हैं किससे? डिस्टल होते हैं किससे? थ्री मसल्स और टू लिगामेंट अटैच होते हैं। ओके, इसके रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमने बताए थे आपको, प्रोजेक्ट बिटवीन एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड, इंटरप्टेड कैरोटिड ग्लैंड एंड इंटरनल जुगलियल वेन, और लेटरली कौन सा होता है? फेशियल नर्व टू बेस और एपेक्स। फेशियल नर्व कहाँ से करती हैं? बेस से, जबकि ये करता है एपेक्स से। ओके, दिस इज एपेक्स, दिस इज बेस। ओके, उसके बाद हमने इसके क्लिनिकल के बारे में बताया था, ईगल सिंड्रोम्स या स्टेलेल्जिया, एलोंगेट ऑफ स्टेरॉइड प्रोसेस और कैल्सिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड हायोइड लिगामेंट। नॉर्मली अगर लिगामेंट में कैल्सिफिकेशन हो रहा है तो ये भी वही बात बोल रहा है जो फर्स्ट वाला बोल रहा है। ओके, अगर ये दोनों चीज़ें किसी पेशेंट में मिलती हैं तो उनमें क्या प्रॉब्लम होगी? रिकरेंट थ्रोट पेन। कहाँ पे होगा? इन द रीजन ऑफ टॉन्सिलर फोसा और अपर ट्रंक। ओके, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसे पढ़ने में आसानी हो। ओके, अगर आप इसका और इस ढंग के फोटो चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।